Good morning, all the viewers watching my video. I welcome you to my YouTube channel, Pawan English Aspirants. Dear viewers, आज हम बात करेंगे अगले मॉडल की और वो है कुड. कुड का यूज किन किन कंडीशंस में हो सकता है इस बात को हम देखेंगे, इस बात को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कुड पास्ट ऑफ कैन. ओके, कुड जो है कैन का पास्ट, कैन के पास्ट के फॉर्म में भी जो है पास्ट फॉर्म भी है कुड. यानी जिन क्या जिन कंडीशंस में हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है, उन्हीं कंडीशंस में उन्हीं सिचुएशंस में कुड का यूज किया जाता है जब टेंस पास्ट हो या हमें पास्ट टेंस को इंडिकेट करना हो. ठीक है, सिचुएशंस तो सेम है, जैसे कि एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, स्किल है. इसके लिए हमने किसका यूज किया था? इसके लिए हमने यूज किया था कैन का. क्लियर? ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में किया था. अब कंडीशंस सिचुएशंस तो यही है ना, नोशन यही है हम कह सकते हैं. और टेंस पास्ट इंडिकेट करना हो तो हम किसको यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे. ठीक है, इसके अलावा नरेशन में भी देखते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो वहां पर भी हम कैन को किस में बदलते हैं? कुड में बदलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या कैसे यूज होगा इसका. मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल, सभी के लिए कुड का यूज हो सकता है, लेकिन पास्ट टेंस के लिए. लिखा है ना, सेंटेंस से हमें पता चलेगा भाई प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है. ठीक है, टाइम का और टेंस का पता हमें किससे चलेगा? सेंटेंस से पता चलेगा. He read without glasses when he was young. ओके, तो ये when से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है ना, he was young, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है. कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है. He read without glasses when he was young. जब वो यंग थे तो बिना चश्मे के क्या कर सकते? पढ़ सकते थे. क्लियर हो रहा है? सेंटेंस से पता चल रहा है. तो कैपेसिटी का सेंस नजर आ, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी शो हो रही है. आप लोग उसको सेंटेंस को जब गौर से देखोगे तो पता चलेगा. और साथ में ही जो क्लॉज जुड़ा हुआ है वेन के साथ, उससे टाइम इंडिकेट हो रहा है, टेंस इंडिकेट हो रहा है पास्ट. तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? फिर कैपेसिटी के लिए कुड भरेंगे. ही कुड रीड विदाउट ग्लासेस व्हेन ही वाज यंग, यानी जब वो युवा थे तो बिना चश्मे के पढ़ सकते थे. ही वाज वेरी पावरफुल. ठीक है, यहाँ पे इससे हो रहा है पास्ट टेंस. ही वाज वेरी पावरफुल एंड ही लिफ्ट द हैवी बॉक्सेस. हैवी बॉक्सेस लिफ्ट करने की बात है तो ऑटोमेटिकली जो है आपको कैपेसिटी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पावर नजर आ रही है. तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? कुड भरेंगे. कुड क्यों भरा हमने? क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए, और पावर का सेंस है, कैपेसिटी का सेंस है, इसलिए हमने कुड भरा. माई ब्रदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट. ही सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेरी इजिली. वेरी इजिली, बहुत आसानी से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात है. तो और टेंस कौन सा है? पास्ट. तो डेफिनेटली इसमें क्या भरना है? हमें कुड भरना है, क्योंकि कैपेसिटी की बात है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से कुड भरना है. ठीक, कंडीशन तो वही है लेकिन टेंस चेंज हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या भर रहे हैं? कुड भर रहे हैं. ही सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इजीली. अब देखिए सेंटेंस थोड़ा अलग तरह का उस तीन सेंटेंसेस से. यहाँ पे तो हमें क्लियरली इंडिकेट हो रहा है टेंस पास्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें टेंस इंडिकेट नहीं हो रहा. इस तरीके से हम कह सकते हैं सिंपली लिखा हुआ है. उस कंडीशन में यहाँ पे जब वो इंडिकेट नहीं किया हुआ है तो हमें प्रेजेंट टेंस हम मान के चलते हैं, प्रेजेंट टेंस हम कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई फ्रेज, कोई क्लोज वहाँ पे ऐड नहीं है. प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे कुड नहीं आएगा बल्कि कैन आएगा. तो इनसे डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया है, ताकि आप लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाओ, है ना, कि कुड कहाँ पे भरना है, कैन कहाँ पे भरना है. तो एक तो यूज ये आपके ये हुए कुड के. ठीक है, एक है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट. फॉर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, ज्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट जो हम कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी कुड का यूज करते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और भी दो यहाँ पे मैंने मॉडल्स लिखे हैं कॉर्नर के अंदर, उनका भी यूज कर सकते हैं. जैसे आपके विल है, विल का भी यूज हो जाता है और गुड का भी हो जाता है. ठीक है, लेकिन कुड का यूज हम मोर पोलाइट, जैसे विल का यूज कब करते हैं? इनफॉर्मल, है ना, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. यानी इनफॉर्मल मतलब हमारे बराबर वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, या हम उनसे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बिल्कुल हमारे बराबर के होते हैं, इनफॉर्मल लोग जो होते हैं एक तरीके से, इनफॉर्मल. ठीक है, तो इनफॉर्मल लोगों से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो विल का यूज कर सकते हैं. लेकिन फॉर्मल है कोई बंदा, और फॉर्मल कौन हुआ? कोई अनजान है. ठीक है, हम होटल में खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर टेबल पे हम बैठे हुए हैं, दूसरा पर्सन बैठा हुआ है. ठीक है, और हम उससे सॉल्ट पास करने की बात बोल रहे हैं, उसे वुड यू पास द सॉल्ट, है ना, क्या तुम सॉल्ट जो है सॉल्ट पास करोगे?
क्योंकि वो पर्सन हमारे लिए कैसा है अनजान है, थोड़ा अननोन पर्सन है, लेकिन एक टेबल पे डाइनिंग टेबल पे हम खाना खा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे तो फॉर्मल हो गया हमारे लिए, तो हम उसके लिए बोलेंगे गुड, बोलेंगे क्या बोलेंगे गुड, गुड यू पॉज द सॉल्ट प्लीज प्लीज लगा ऐसे विल। और कोई इनफॉर्मल के लिए है ना अपने भाई से करें विल यू गिव मी माय शूज, इस तरीके से। तो कोई फ्रेंड वगैरह है, भाई है, कोई रिश्तेदार रिलेटिव है, इनफॉर्मल पर्सन है, तो वहाँ पे विल का जो है अपन क्या यूज करेंगे, फॉर्मल के लिए गुड का यूज करेंगे। और ज्यादा ही पोलाइट रिक्वेस्ट करती है अपन अपने को तो अपन करेंगे किसका यूज, गुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो तीनों मॉडल्स का यूज होता है, ध्यान से रखना है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए विल का, फॉर्मल के लिए गुड का, और मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए गुड का। जैसे आई हैव लॉस्ट माय पर्स, मेरा पर्स गुम गया है, लेंड मी सम मनी। मनी का मामला थोड़ा क्या होता है, टिपिकल होता है, आप समझ सकते हैं, मनी इजीली ले सकते हैं किसी से, पैसे की बात है, तो थोड़ा और पोलाइटली हमें बोलना होगा उसको कि भाई मेरे पास गुम गया यार, मेरे को थोड़ा क्या आप दे सकते हो उधार पैसे, है ना। यहाँ पे किसका यूज करेंगे, थोड़ा मोर पोलाइटली बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो मॉडल्स जब हम भर रहे होते हैं, मॉडल्स जब चूज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सिचुएशन जो होती है ना वो हमें इन्फर करनी पड़ती है, सिचुएशन देखनी पड़ती है, कॉन्टेक्स्ट से किस तरह का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, किस तरह की बात चल रही है, टाइम को इवेंट को देखना होता है, किन लोगों के बीच बात है, किस तरह का माहौल है, वो सारी चीजें हमें देखनी होती है, तब जाके हम जो है मॉडल को सही मॉडल को चूज कर सकते हैं। क्योंकि मॉडल काम ही क्या करती है, मूड बताने का काम करती है, नोशन है ना, हमारे इमोशंस, मन की बात, मनोभाव, ठीक है। इस तरीके से हम मॉडल्स का यूज करते हैं, तो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसके यूज करते हैं, गुड का यूज करते हैं। आगे इसी तरीके से अगला जो मॉडल है, एक पास्ट कैपेबिलिटी के लिए भी जो है हम किसका यूज कर सकते हैं, गुड का यूज कर सकते हैं। अनेबल के, सॉरी एबल के सेंस में, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, ही वाज एबल टू रीड, ही वाज एबल टू सॉल्व पजल्स, ही वाज एबल टू सॉल्व पजल्स, यानी पजल्स को क्या कर पाया, सॉल्व कर पाया, कर सका वो, ठीक है। तो वाज एबल जो है ना, वाज एबल, उसको कुड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ही कुड सॉल्व द पजल्स, यानी वो पजल्स को सॉल्व कर सका, कर पाया, कर सका। वाज एबल को किससे रिप्लेस कर दिया, कुड से, ठीक है ना। और ही वाज अनेबल तो क्या हो जाएगा, अभी कुड नॉट, ही वाज अनेबल टू सॉल्व द पजल्स, ही वाज अनेबल, है ना, यानी वो समर्थ नहीं था, नहीं कर सका, पजल्स को सॉल्व नहीं कर सका। तो हम क्या करेंगे इसको, आप कुड से के रिप्लेस कर सकते हैं उसको, ही कुड नॉट सॉल्व द पजल्स। तो कैन में भी मानो, जैसे मैंने कल कैन, पिछली वीडियो में आपको कैन का यूज बताया था, यहाँ कुड का मैं बता रहा हूँ उस वीडियो के अंदर, तो इसके साथ में मैंने पॉजिटिव यूज ही बताया था, इनके कैन कुड के नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, स्किल की और सेंस है, लेकिन नेगेटिव सेंस है, कैसा है, जैसे मान लो यही सेंटेंस यहाँ पे रूम है, ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज वेरी वीक एंड ही लिफ्ट द हैवी बॉक्सेस, तो यहाँ पे नेगेटिव मॉडल यूज होगा, क्या होगा फिर, कुड नॉट, ही वॉज वेरी वीक, पावरफुल के लिए क्या ना वीक आ रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर है वो, एंड ही कुड लिफ्ट द हैवी बॉक्सेस, कुड नहीं कर सकते फिर, हम आपको पता है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना मॉडल, हमें फिर नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, ही कुड नॉट लिफ्ट द हैवी बॉक्सेस, क्योंकि वो कमजोर था इसलिए बॉक्सेस को नहीं उठा सकता था, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, माय ब्रदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मान लो ये होता, माय ब्रदर वॉज वेरी पुअर, ही कुड सॉल्व, ही ब्रेक इज दिस सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, है ना। तो यहाँ पे कुड नॉट का यूज करके डेफिनेटली हम यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है इस तरीके से। चलो तो इसी तरीके से तो ये इनकी नेगेटिव फॉर्म भी यूज होती है मॉडल्स की, मेरे कहने का मतलब ये पॉजिटिव फॉर्म से क्या बात कर रहे हैं, इनकी नेगेटिव फॉर्म से भी इनकी होती है, ठीक है ना। ऐसी सेल है, मान लो सेल का यूज हम कर रहे हैं, सेल का यूज किन किन कंडीशंस में हो सकता है, तो टू एक्सप्रेस फ्यूचरिटी, सिंपल फ्यूचरिटी जब हमें शो करनी होती है, फ्यूचर टाइम को हमें एक्सप्रेस करना होता है, फ्यूचरिटी को हमें एक्सप्रेस करना होता है, उसके लिए हम सेल का यूज करते हैं। उस सेल का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई वी के साथ, है ना, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल फ्यूचरिटी कैसे हुई, आई ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो, है ना, मैं जयपुर जाऊंगा कल, सिंपल फ्यूचरिटी है, सिंपल है, सिंपल फ्यूचरिटी है, तो किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, ओके। टू नो द इंटेंशन ऑफ अदर्स, अच्छा देखिए सिंपल फ्यूचरिटी है तो किसका यूज करेंगे, आई वी के साथ सेल का,
और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसको यूज करके विल का यूज करेंगे, किसके लिए पूर सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे शैल का यूज, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ करेंगे विल का यूज। लेकिन इस रूल की ओर आगे बाद में चलेंगे, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज हो गया और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ किसका होगा विल का यूज। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशंस हो जो मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, जैसे कि डिटरमिनेशन, ओके, अ प्रॉमिस, स्वियर यानी कसम खाना, सौगंध खाना, थ्रेट्स धमकी देना, वार्निंग कोई चेतावनी धमकी, ऑर्डर समझे यानी कोई आदेश कमांड, ठीक है, ऑर्डर कमांड सिमिलर चीजें हैं। अगर मान लो इस तरह के इस तरह का सेंस हो, इस तरह का नॉशन हो, डिटरमिनेशन प्रॉमिस है ना, स्पीकर अपनी डिटरमिनेशन एक्सप्रेस कर रहा हो, वो वादा कर रहा हो, कसम खा रहा हो, धमकी दे रहा हो, वार्निंग हो, ऑर्डर आदेश दिया जा रहा हो, कमांड दी जा रही हो, उन कंडीशंस में ये शैल विल का जो यूज है वो चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज कैसे हो जाता है कि देखो, हम सिंपल सेंस में तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं शैल का यूज, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं विल का यूज, लेकिन कंडीशंस इस तरह की आ रही है तो ये यूज बदल जाता है। यानी जहां पे शैल का यूज होता था वहां पे विल का यूज होता है, और जहां पर विल का यूज होता था वहां पे शैल का यूज होने लगता है। मेरी बात समझ गए होंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं शैल का यूज करते हैं। किन कंडीशंस में, इन कंडीशंस में, जब इस तरह की कंडीशंस हो, इस तरह का नोशन हो, डिटरमिनेशन हो, प्रॉमिस हो, स्वियर हो, थ्रेट हो, वार्निंग हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, है ना, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का। जनरली करते क्या हम, वैसे जनरल फ्यूचरिटी के लिए, सिंपल फ्यूचरिटी के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का करते हैं, सेकंड पर्सन के साथ विल का करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे लिए हैं। आई लर्न दिस टॉपिक डेफिनेटली, तो देखो ये जो वर्ड यहां पे जो ये फ्रेज जो दिए नहीं, जो एक वर्ड एडवर्ब है डेफिनेटली, निश्चित रूप से, है ना, ये हमारी डिटरमिनेशन को शो कर रहा है ना, कि जो स्पीकर है वो डिटरमाइंड है। किसके लिए डिटरमाइंड है, टॉपिक को लर्न करने के लिए डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड है। सिंपल फ्यूचरिटी नहीं, वहां पे आई गो टू जयपुर टुमारो, हमने शेयर भरा, लेकिन यहां पे ये डेफिनेटली एनएस ने डिफरेंस पैदा कर दिया। डिफरेंस क्या पैदा कर दिया, ये डेफिनेटली वर्ड यहां पे ये शो कर रहा है कि स्पीकर बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है किसी काम को करने के लिए, तो डिटरमाइंड है तो यूज बदल जाएगी इसके, शैल के इसके यूज करके विल का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। ऐसे भी एक थर्ड पर्सन लिया देंगे यहां पे अगला, द स्टूडेंट्स ऑफ परिष्कार। परिष्कार यानी किसी संस्था का नाम है, स्कूल का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है, ये मान लीजिए द स्टूडेंट्स ऑफ परिष्कार हैव हॉलिडे टुमारो। ओके, थर्ड पर्सन है। जनरल रूल तो कहता है कि यहां पे विल आना चाहिए, जनरल रूल तो ये कहता है ना विल आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आएगा, शैल आएगा। और शैल क्यों आया बताओ, शैल इसलिए आया क्योंकि एक तरह से ऑर्डर है, और ऑर्डर कहां से जारी हुआ है, परिष्कार जो कॉलेज है, परिष्कार जो स्कूल है, वहां से जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे विल की जगह विल यूज ना करके हमने क्या यूज किया, शैल यूज किया, क्योंकि एक तरह से ये ऑर्डर है स्कूल का, है ना, ऑर्डर्स में इसकी गिनती होगी सेंटेंस की, इसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि स्कूल से निकली हुई बात है, स्कूल से निकला वो आदेश है कि जो परिष्कार के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी कल की छुट्टी रहेगी। ठीक है, आपने जो होगा आपको जब एग्जामिनेशन कोई भी एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और आपके पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं, है ना, तो वहां पे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज होता है ना, यू शैल हैव टू फिल अप ईच एंड एवरी एंट्री, यानी आपको हर एंट्री को भरना होगा, यू शैल हैव फिल, है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सब क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स लिखे होते हैं नोटबुक के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर, कि आपको ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, तो वहां पे ऑर्डर्स जो होते हैं, ऑर्डर्स से कमांड, उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन के साथ तो विल का करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये यूज हो गए आपके। और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिससे प्रॉमिस है, है ना, धमकी है, जिससे मान लो मैं इस सेंटेंस में अभी लिखूं, यू ओके बी पनिश्ड इफ यू मेक ए नॉइज, ये मैंने सेंटेंस लिखा, यू बी पनिश्ड इफ यू मेक ए नॉइज, है ना, थ्रेट वर्ड सेंटेंस ही थ्रेट वर्ड दे, धमकी एक तरह से धमकी दी जा रही, वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुमने आवाज की तो तुम्हें क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे आप शैल यूज करोगे ज्यादा बेटर, यू शैल बी पनिश्ड, है ना,
तो यू शैल बी पनिश्ड विद मैगी नॉइस, इसका मतलब आपको वार्निंग दी जा रही है, अगर आपने आवाज की तो आपको जो है पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये वार्निंग है ना, तो वार्निंग है। तो पता है आपको सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ किसकी तो शैल का करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ किसके करना है, मिल का करना है, किस कंडीशन में वार्निंग दी जा रही है। अब प्रॉमिस की बात हो, कोई प्रॉमिस किया जा रहा है मान लो, तो प्रॉमिस करने की कंडीशन में भी वही चीज होती है ना, फर्स्ट पर्सन के साथ मिल का यूज, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज। तो इस तरीके से हम विल और शैल की यूज देखते हैं। एक और मैंने यहां पे यूज लिखा है शैल का, टू नो द इंटेंशन ऑफ अदर्स, दूसरे की सामने वाले की, दूसरों की जो हमें इंटेंशन जानना है, उनके मन की बात को जानना है, उनका उनकी कंसेंट लेनी है एक तरह से, तो उसके लिए भी शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है शैल आई ओपन द डोर लिखा मैंने, यहाँ पे बना शैल आई ओपन द डोर, इसका मतलब क्या हुआ, क्या दरवाजा खोलूं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं शैल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले की इंटेंशन को जानते हैं, भाई वो बता देगा यस या नो कि हाँ खोलो या नो मत खोलो, ठीक है, शैल आई ओपन द डोर, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम मॉडल्स को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं।